देश दुनिया की हर खबर को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल सके। आइए इधर आइए, आइए आइए, साइड होइए साइड होइए साइड होइए साइड होइए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि राजपूत और आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार न्यूज। आज हम बात करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री ने किया गर्ल्स स्कूल का उद्घाटन। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले के मरवन प्रखंड के रौतनिया स्थित महाचंद्र नगर में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने बुद्ध वर्ल्ड गर्ल्स स्कूल का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। वहीं दोनों नेताओं ने स्कूल परिसर में समाज सेविका व पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह के माता उगन तारा देवी के प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद ने की। मौके पर स्कूल के निदेशक विकास कुमार, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्राध्यापिका डॉक्टर सीमा शर्मा, कृष्ण कुमार एवं नागमणि द्वारा बुके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं स्कूल की बालिकाओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो बेहद ही मनमोहक था। इस दौरान छोटे छोटे स्कूली छात्र छात्राओं ने विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर अतिथियों का मन मोह लिया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सुनते हैं। जिनका सपना था कि हम बच्चियों के लिए कुछ करेंगे, वैसी हमारे अगर हम कहें तो सबकी माँ जो शिक्षा के लिए चिंता करें, हमारी स्वर्गीय उगन तारा देवी जी के आज प्रतिमा के अनावरण के उपस्थिति में इस समारोह में आए हुए हमारे मंच पे विराजमान हमारे भाई आदरणीय माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा भाई विजय सिन्हा जी, हमारे अभिभावक के रूप में बहुत पुराना संबंध हमारे परिवार से, हमारे पिताजी से था, हमारे कारण हम आगे हैं। लेकिन हम आगे, हम पुरुष से आगे नहीं है, इसलिए पुरुष से आगे नहीं है, काम में हमारी समानता है, आपकी आवश्यकता है। और भारत तो एक ऐसा देश है जिसने कहा कि अर्ध नागेश्वरी का देश है, क्योंकि आधा हम पुरुष और आधा महिला है, तो आपके बिना हम नहीं चल सकते हैं, इसलिए स्पेशल होते हुए भी आपका सहयोग चाहिए। और जब आपका सहयोग मिलता है, गाड़ी के दो पहिए जब मजबूत होते हैं तो समाज बहुत जल्दी चलता है, अगर एक थोड़ा कमजोर हुआ तो दूसरे सहारे लेके चलता है। और मैं तो ये जानती हूँ कि जब मैं माँ चंद्र बाबू के पूरे जो फ्रेंड सर्किल रहा, उनके जो परिवार के लोग या बाहर के जो लोगों ने कहा कि कोई भी पुरुष कब आगे बढ़ता है, जब महिलाएं उनका साथ देती हैं, जब वो महिलाएं उनको साथ देंगी तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, जिनकी सोच अच्छी होगी उनका आगे भी अच्छा होगा। स्कूल के इस ऐतिहासिक प्रांगण में दो कार्यक्रम उपस्थित हैं। आज
वूडवर्ड स्कूल का शुभारंभ माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा के कार्यक्रमों द्वारा हुआ है। साथ ही साथ आपने बड़ी भावनात्मक चर्चा सुना माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी के मुंह से, काफी पारिवारिक लगाव और हमारे घर जमालपुर पर जिन प्रतिमा लगी उसका भी उद्घाटन अनावरण डेयरी यूनिवर्सिटी का, और फिर उसके साथ जो देश के प्रसिद्ध मैनेजमेंट कॉलेज से ट्रेनिंग लेकर श्री विकास जी आए हैं, ये दोनों मिलकर ने संकल्प लिया है कि इस स्कूल की का रूप राष्ट्रीय स्तर पर हम करेंगे। ये संकल्प के साथ ही दोनों लगे हैं नौजवान इस स्कूल को, और निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जिन लोगों ने अपनी भूमिका निभाई है उनको हम नमन करते हैं और हृदय से आभार भी व्यक्त करते हैं कि आज ज्ञान के बिना हम उस चौराहे पर खड़े होकर अंधकार की कई विकारों से ग्रसित होकर उस पथ पर बढ़ जाते हैं जिस पथ पर हमें बहुत दूर लेके चला जाता है अपनों से, समाज से और राष्ट्र से। निश्चित तौर पर पूरा परिवार संस्कारित होगा, पूरा परिवार चरित्रवान करेगा जो हमारे समाज को, हमारे राज्य और राष्ट्र को मजबूती प्रदान करेगा। ये माहौल आज जरूरत है। हम लोग रोटी के लिए नहीं, रोजगार के लिए नहीं, हम लोग संस्कार और संस्कृति के लिए, विद्या के निकट सानिध्य में अपने गुरुजनों के स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लाभान्वित रहते हैं। जब विकृति आती है तो हर क्षेत्र में उसका कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। आज भी नवीन शिक्षक पुत्र मैं कितना हूं बड़ा पद पर पहुंच जाऊं, लेकिन जो मेरे पिताजी के प्रति समाज के अंदर श्रद्धा का भाव था वह भाव आज नहीं है हमारे। ये अंतर, ये विशेषता थी और ये किसी के लोभ या भय से नहीं मिला था, ये सामाजिक मान्यता हृदय के अंदर के पवित्र भाव से बड़े बड़े लोगों को उस गुरुजन के सामने झुकते हुए देखा, उनको नमन करते देखा, गौरवान्वित उनको होते देखा, ये हमारी समाज की मान्यता थी। इस मान्यता को किसने खंडित किया, इस भाव में क्यों कमी आई, ये गिरावट कहां हुआ, उस गिरावट को रोकने की जिम्मेवारी हमेशा पंडितों की। पंडित का मतलब बुद्धिजीवियों की है, विद्वत जनों की है, शिक्षकों की है, किसी भी समाज के